क्या आप सोच सकते हैं कि जो आईफल टावर आज पेरिस की जान समझा जाता है, उसे शहर पे धब्बा और पेरिस की आर्किटेक्चरल डिजाइन ब्यूटी की बर्बादी की शुरुआत करार दिया गया था, वो भी पेरिस के कुछ सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाले इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट्स और पोएट्स के द्वारा। इसके बनने के दौरान और उसके बाद भी इसका बड़ा मजाक उड़ाया गया। यहाँ तक कि एक फेमस राइटर तो इसके रेस्टोरेंट में लंच करने सिर्फ इसलिए जाते थे क्योंकि उनका कहना था कि पूरे पेरिस में यही ऐसी जगह जहाँ से घटिया टावर नजर नहीं आता। वैसे कि आपने कभी सोचा कि पेरिस की बेहद खूबसूरत हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और दिलकश पैलेसेस के बीच एक लोहे का खंबा जो इनको इतना आउट ऑफ द प्लेस लगता और खटकता था, आखिर बनाया ही क्यों गया? अपने टाइम की सबसे ऊंची ये इमारत 1889 के वर्ल्ड फेयर के सेंटरपीस के तौर पे बनाई गई थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की 100वीं सालगिरह के अवसर पर हो रहा था। इसको रखना भी सिर्फ 20 साल के लिए था, लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट और मिलिट्री इसे रेडियो टेलीकम्युनिकेशंस के लिए यूज करने लगे और इसकी परमिशन एक्सटेंड। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान आईफल टावर को दुश्मन के रेडियो कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट करने के लिए यूज किया गया, बट फिर लोगों को इसकी ऐसी आदत लगी कि ये सिटी का सिंबल ही बन गया। इसको देखने हर साल 70 लाख लोग आते हैं, बट अगर आप सब्सक्राइब बटन दबा तो शायद 1 लाख हमारी वीडियो भी देखने।